गाइज मैं हूँ नरेन और आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्नाटक का एक ब्यूटीफुल सिटी है और ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आप समझ ही पा रहे हैं। चलिए अब आगे जाके हम लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को कि हम एक पार्क का साइड में खड़ा है। कर्नाटक का मैसूर का एक बहुत सुंदर सा सिटी है यार, ये दूसरा रोड में आज घूमने के लिए आए हैं हम। और इधर में कुछ मतलब पार्क जैसा है, पार्क बहुत सुंदर सुंदर सा पार्क है। ये देखिए एक बास है, लेकिन ये बास नहीं है, कैंटीन है, वो टी का कैंटीन है दोस्तों। बहुत बढ़िया लगने वाला है, हमारा दोस्त सब मिल के आज घूमने के लिए आए हैं और घूमने के लिए बहुत दूर तक जाना है, दूर तक जाना है। बहुत बढ़िया बढ़िया आज को आप लोगों को फुटपाथ में जो मार्केट बैठता है वो मार्केट आज दिखाने वाले हैं। कुछ हंसी मजाक चलेगा आज हमारा दोस्तों के साथ में और आप लोगों के साथ में बहुत बढ़िया शेयर चलेंगे। हमारा फ्रेंड पीछे देख पा रहे हैं चश्मा वश्मा लगा के, वो कुछ फोटो वोटो खींच रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा जगह ही ऐसा है जो फोटो खींचने वाले। हाय दोस्त, देखिए सब एक साथ में मिलकर फोटो वोटो खींच रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है और देखने के लिए पार्क, इतना सुंदर सा पार्क है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं भी अभी थोड़ा चश्मा लगा दिया, थोड़ा हीरो टाइप बन गया। आप लोग हीरो नहीं, जोकर लग रहे हैं देखने के लिए, मेरे को मालूम है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा मतलब सनलाइट ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा लगाना पड़ता है। और फैशन भी थोड़ा समझ रहे हो तो आप समझो कि कुछ फैशन भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों का रोड का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। इतना सुंदर सा फुटपाथ है, आदमी देखिए आराम से बैठे हुए हैं। और इधर देखिए कुछ पानी पूरी लगा हुआ है, कुछ खाने का बहुत सारा सामान मिलता है। वो मैसूर का जो मतलब फुटपाथ है बहुत बढ़िया फुटपाथ है, आरसू रोड का, आरसू रोड बोलते हैं दोस्तों, आरसू रोड का साइड है ये। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो घूमने के लिए बहुत टाइम पास करता हूँ, इधर घूमने के लिए आता हूँ। आप लोग कभी मैसूर घूमने के लिए आइए तो दोस्तों ये पूरा मैसूर घूमेगा, पूरा हिस्टोरिकल सिटी है। इतना सुंदर देखने के लिए लगेगा कि इसमें राजमहल है, इसका बाद में चामुंडी हिल्स है, इसका बाद में एक डैम है, बहुत सुंदर सा डैम। उसमें जाओगे तो दोस्तों मतलब आने का मन ही नहीं करेगा, इतना सुंदर सा डैम है। इसका बाद में जो चिड़ियाघर है, इतना सुंदर सा चिड़ियाघर है, बहुत बढ़िया चिड़ियाघर है। हम लोग दो तीन बार घूमने के लिए गए, बहुत सारा ये मिला। ये देखिए कुछ फोटो में मकई वकई बिक रहे हैं, बहुत बढ़िया गन्ना का जूस मिलता है, कुछ भी खाने का सामान बहुत अच्छा मिलता है जो है दोस्तों, जूस बहुत, एप्पल का जूस, गन्ने का जूस, इसके बाद में अनार का जूस हो, पाइनएप्पल का जूस, आप जो जूस का मिले जो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खा मतलब जो चाहिए वो मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों देखिए कुछ मकई वकई सील कर रहे आदमी, पूरा आदमी लेके खा रहे, बैठ रहे, आराम कर रहे। आज थोड़ा मतलब संडे का टाइम है इसीलिए बहुत बढ़िया लग रहा है और देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है सिटी को। शाम का टाइम होने वाला है, इस शाम के टाइम में शूट किया वीडियो, मतलब देखने के लिए फॉरेन जैसा लग रहा है। और बहुत सारा फॉरेनर भी आते हैं दोस्तों घूमने के लिए। पहले वीडियो का पहले आप कुछ फॉरेनर को देखे थे जो ताइवान से लड़के आए हैं, उन लोगों से थोड़ा बातचीत किया। बाद में से बातचीत का वीडियो तो दिया नहीं, मौत तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जो पार्क का आज मैं सामने में आ गया, देखिए अभी पार्क बंद हो गया मेन गेट, अभी तो आज देखने वाले नहीं है, लेकिन वो जो पार्क है बहुत बढ़िया पार्क है दोस्तों। इतना सुंदर सा लगता है देखने के लिए, बहुत बढ़िया, घूमने का मन ही होता है दोस्तों ज़्यादा। और संडे का दिन तो स्पेशली है दोस्तों। ये देखिए कुछ पार्क में फुटपाथ में आगे जाके हम लोग फुटपाथ देखिए, इतना सुंदर सा फुटपाथ, इतना सजा हुआ जैसा, जैसे मार्केट जैसा लग ही रहा है देखने के लिए, इतना अच्छा लगता है। और बहुत सारा मतलब ये है, फ्रेंड मिलते हैं इसमें आके, हमारा दूसरा कंपनी का फ्रेंड भी मिलता है, फॉरेनर से भी मिलते हैं, देखने के लिए अच्छा लगता है। और घूमना बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, माइंड भी फ्री होता है। आप लोग को भी घूमने के लिए आइए तो मैसूर घूमिए, बहुत बढ़िया सिटी है। खाने पीने का कोई मतलब ये नहीं है, कमी नहीं है, बहुत सारा खाना पीना बहुत कुछ मिलेगा, ये मतलब अच्छा लगता है घूमने के लिए। बहुत सारा घूमने का प्लेस भी बहुत है और सुंदर सा। ये देखिए पार्क का अंदर में आ गया मैं, और पार्क का मेन गेट आज बंद हो गया थोड़ा जल्दी जल्दी है, लेकिन वो मेन गेट का अंदर जा नहीं पाए, लेकिन वो मेन गेट का अंदर के लिए दूसरा वीडियो तो बनाऊंगा मैं, दूसरा वीडियो उसमें बना के आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। जाते जाते मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करिएगा जो दोस्तों जरूर, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा हमारा वीडियो का एंड में। बाय बाय दोस्तों, और आगे चल के हमारा बस स्टैंड भी पकड़ना पड़ेगा, टाइम से बस में नहीं मिलेगा तो बाद में जाना होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सब्सक्राइब।